मैं तो कहूँगा भगवान ज्ञान देव गंगा माता महोदय 5 मई में आगरा हार्दिक स्वागत है इस भजन संध्या में शामिल होने के लिए। प्रतिदिन की भांति हमारे योग गुरु श्री पी के पचौरी जी आपको परमात्मा एक भजन सुनाने जा रहे हैं और मैं युवा डॉक्टर गोपाल वर्मा आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूँ कि पचौरी जी बहुत अच्छा भजन सुनाते हैं जिसमें ज्ञान की भी बातें होती हैं, खाली भक्ति नहीं ज्ञान योग का भजन सुनाते हैं। आप हमारे इस YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर लीजिए। आप इस चैनल के कंटेंट में जाकर देखिए तो आपको ज्ञात होगा कि हमारा एक और भी चैनल है जिसका नाम है स्पिरिचुअल मोटिवेशन टिप्स फॉर हैप्पी लाइफ और उस चैनल में श्री आर के सिन्हा जी और बाकी योग गुरु भी बहुत सुंदर सुंदर प्रवचन करते हैं। तो इसके कंटेंट में जाके आप उसका लिंक देख लीजिए और इन दोनों लिंक को शेयर कर लीजिए और अपने दोस्तों में इसको कह के सब्सक्राइब करवा दीजिए और खुद भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद धन्यवाद वर्मा जी। ये परमात्मा का भजन है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पुण्यासन नहीं अधवाई। परमार्थ जो है बहुत बड़ी चीज है, हमेशा हमें तन मन धन तीन चीजें हैं हमारे पास, तो हम कम से कम धन से सेवा नहीं कर सकते हैं, तन से भी नहीं कर सके तो हम कम से कम मन से तो सेवा कर सकते हैं। तो कलयुग की बहुत बड़ी बात यह है, अभी हमारे बहुत बड़े योग गुरु मेरे चाचा जी तो बता रहे थे कि कलयुग में एक बहुत बड़ी विशेषता यह है, बहुत बड़ी विशेषता यह है कि वो आप जो है मनसा पाप करते हैं वो नहीं होता है। आपके मन में जो विचार गंदे आ जाते हैं कभी भी, तो वो और युग में उसका फल भोगना पड़ता था। देखिए आप कितना सूक्ष्म टाइम था, सतयुग त्रेता द्वापर में वो फल भोगना पड़ता था, लेकिन कलयुग में जीव इतना असक्त हो जाएगा, मन का इतना गुलाम हो जाएगा कि वो विचार भी गंदे हैं। तो उन विचारों के लिए कहा है कि वो मन से पाप नहीं होगा, लेकिन अगर आप मन से पुण्य करते हैं, सोचते हैं कि मेरे पास नहीं मैं इसको अर्पण कर रहा हूँ, तो वो मन से पुण्य लगता है। तो हम कम से कम उसके लिए दुआएं तो कर सकते हैं, हम उसको अच्छा भी कर सकते हैं कि प्रभु ये अच्छा। तो सबसे बड़ी सेवा मन की ही सेवा है, उसके बाद तन की है, और धन की सेवा तो वास्तव में तुच्छ सेवा है, धन से सब कुछ होता है, लेकिन मन जो है सबसे बड़ा उसमें। हमारा धन क्यों हम दे रहे हैं लेकिन हमारा मन नहीं है उसको देने को, तो वो धन की सेवा स्वीकार नहीं है। जब आप उसमें सम्मिलित हैं आप स्वयं लोग तब वो समझ आए। परमार्थ के ऊपर भजन सुनाऊंगा आपको, सभी का आशीर्वाद चाहिए। जीवन सफल है जग में उन्हीं का, परमार्थ पथ में जो आ रहे हैं। जीवन सफल है जग में उन्हीं का, परमार्थ पथ में जो आ रहे हैं। बोधन आगे जो
शक्ति ममता बना रहे हैं, जीवन सफल है जग में का, परमार्थ पथ में जो आ रहे हैं। जो त्याग पाएंगे दोष अपने, बुरा जो देखन में चला बिरा लिया कोई, और जो दिल पूजा अपना मुस्सा बनाएगा। हमें अपना बुराई अपनी देखनी चाहिए और दूसरों की बुराई हम देखते हैं। हम एक उंगली उठाते हैं दूसरे की तरफ, चार हमारी तरफ है, ये हम देख ही नहीं रहे। एक उंगली हम दूसरे की तरफ उठा लेंगे सर, चला सर। उसमें थोड़ी सी संशोधन है जी, जी जो परमिशन। हाँ बताइए। एक उंगली आपकी तरफ उठाते हैं, हाँ, तीन उंगली मेरे तरफ आती है। हाँ, उठा। तीन बार जो है अपने को सुधारिए, तब एक बार दोष लगाइए, और अगर नहीं करते हैं तो भगवान मालिक है। भगवान। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सही कह रहे, वेरी गुड। कुछ भी न पाएंगे वे जगत में, जगत के पीछे जो दौड़ते हैं, जीवन सफल है जग में उनका, परमार्थ पथ में जो आ रहे हैं। पर जग न उनको पकड़ सकेगा, कुछ भी न पाएंगे वो जगत में, जगत के पीछे जो दौड़ते हैं। कुछ भी न पाएंगे वे जगत में, जगत के पीछे जो दौड़ते हैं। यह जग न उनको पकड़ सकेगा, जो जग से आशा हटा रहे हैं। पर यह जग न उनको पकड़ सकेगा, जो जग से आशा हटा रहे हैं। जीवन सफल है जग में उनका, परमार्थ पथ में जो आ रहे हैं। उन्हीं के सब काम पूरे होंगे, जो काम आते हैं दूसरों के। उन्हीं के सब काम पूरे होंगे, जो काम आते मिलेगा। जो चाह सारी मिटा रहे हैं, उन्हीं को सर्वों पर पद मिलेगा, जो चाह सारी मिटा रहे हैं। जीवन सफल है जग में उन्हीं का, परमार्थ पथ में जो आ रहे हैं। बड़ा किसी से कुछ ना वो चाहता हो, वही है दाता जो लेने वालों, वही है दाता जो लेने वालों को नित्य ही देते जा रहे हैं। वही है दाता, हम ये समझते हैं। कर्ण जब देता था तो वो कहता था नीचे ज्ञान इसीलिए है मेरे, कि देनहार को ये वर है, देत रहे जैसे दिल रहे, तो वो परमात्मा ही दे रहे हैं। हम ये समझते हैं कि हम दे रहे हैं जो उसको, वही है दाता जो लेने वालों को नित्य ही देते जा रहे हैं। जीवन सफल है जग में उन्हीं का, परमात्म पथ में जो आ रहे हैं। वही है स्वाधीन नित्य निर्वय, वही है स्वाधीन नित्य निर्वय, है जिनके बस में मन
परम तृप्त अपने ही में जो अपने प्रियतम को पा रहे हैं। पथिक परम तृप्त है अपने में जो अपने प्रियतम को पा रहे हैं। जीवन सफल जग में उन्हीं का परमार्थ पथ में जो आप सभी को भी अच्छा लगा होगा। आप हमसे जुड़े रहिए, हर रोज हम आपको कुछ न कुछ सुंदर से भजन सुनाते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ शुभ रात्रि और विश यू वेरी हैप्पी।